नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु चिन्मयी। प्रथमे हेडलाइंस, राज्य में कमुची कोरोना, 24 घंटे 5235 पॉजिटिव, खोर्धार सर्वाधिक 726 केस, पुणी 43 जीवन नहीं वायरस। आरोपारी पद्मश्री प्रोफेसर राधामोहन नयागढ़ खाली जमीन में जैविक चाष कर परिवर्तन तुलाई राज्य सूचना कमिश्नर दायित्व। ओडिशा उपकूल छुईला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु, 48 घंटे सारा राज्य में प्रभाव, सेपटे लघुचाप जो 14 जाए प्रबल वर्षा आशंका, आज 11 जिला को ऑरेंज वार्निंग। लघुचाप वर्षार बैतरणी में बन्या आशंका, भयरे दिन काटुछंती जाजपुर कोरे ब्लकर नदी कूलियावासी, पानी घेर को जाईपे 5 पंचायत, 15 वर्ष होगा सरीपारुनी नदीबंध काम। वर्षा बढ़ाला चाषीों चिंता, मंडी में पड़ गजा है धान, एमएसपी वृद्धि पर भी मिलूनी उचित मूल्य, राज्य सरकार दुख न शुणिले आंदोलन पर अन्नदाता चेतावनी। शेषे श्रीलंका गस्त भारतीय दलर घोषणा, शिखर धवन को अधिनायक दायित्व, भुवनेश्वर कुमार हेले उपअधिनायक, टीम इंडिया रे 4 नुआ मुह, जुलाई 13 दिनिकिया और टी20 सीरीज। बुलेटिन आरंभ करिबा कोरोना संपर्कित खबर। राज्य में कमुची कोरोना, गत 24 घंटे ओडिशा रे 5235 नुआ पॉजिटिव चिन्हट होती, तबे पुणी थरे वायरस 43 जीवन नहीं, खोर्धार सर्वाधिक 5 जन, कटक अनुगुल बरगड़ और देवगढ़ 4 जन लेखाएं प्राण हर। आज संख्या को मिसाई राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या 3210 पहुंची, खोर्धार सर्वाधिक 726, कटक्रु 557, जाजपुर 394 नुआ केस रही, मयूरभंज 285, सुंदरगढ़ 251 और केन्द्रापड़ 237 पॉजिट चिन्हट होते। वर्तमान राज्य में एक्टिव केस संख्या रही 66226। संपर्कित अधिक सूचना सहित फोन लाइन में जोड़ी होती आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती। दिव्य, वर्तमान समस्त को आश्वस्ति करुच्छे जे कोरोना संक्रमितों संख्या कमुच्छे, किंतु चिंता बढ़ाऊ मृत्यु संख्या। देखो चिन्मय, निश्चित भाव में जो कथ कहते राज्य में गोटे भल ट्रेंड आरंभ हो, जो संक्रमित संख्या लगातार भाव बढ़ी चलता बर्तमान ता धीरे धीरे कम लगी। जदि आप आज देखिए 8% तौक रही संक्रमण हार राज्य में, 65635 टेस्टिंग होता बेले 5235 संक्रमित चिन्हट होती। जो कथ कहते 43 जन मृत्युबरण कर आहरी 7-8 दिन यही मृत्यु संख्या रही क्या स्वास्थ्य विभाग पक्ष, कारण पूर्व जेहेतु अधिक केस लोड थिला, अनेक पेशेंट क्रिटिकल थिले, अनेक पेशेंट आईसीयू वेंटिलेटर रहिथिले, तेतपई एभली केस लोड रहूची मृत्यु संख्या बढ़ुची। तो वर्तमान आउ 7-8 दिन अपेक्षा करिया पड़िबो जे मृत्यु संख्या जे समय आउ धीरे धीरे कमिया लागिबो। अन्यपटे आपण देखिबे जो गोटे पॉजिटिव ट्रेंड आरंभ होइची जहाँ राज्य सरकार मध्ये प्रस्तुति आरंभ करछंती, किछि जिल्लारे यार भीतर अनलॉक प्रक्रिया को राज्य सरकार फेरिबाक जाउछंती, प्रथम थर पई राज्य रे अनलॉक प्रक्रिया आरंभ हबो। विशेषकर पश्चिम ओडिशा रे किसी जिला रे अनलॉक प्रक्रिया लागू करा जीवो, जेउटी कि पश्चिम ओडिशा रे अनेक तमाम जिला रे धीरे धीरे संख्या कमुछि, किंतु पूर्व ओडिशा विशेषकर कटक खोर्धा एवं तमाम अंचल रे एठी संख्या से समान अनुपात रे बढ़िबार लागिछि। तो ताकु केहि मैनेज करा जीवो, पूर्व ओडिशा रे केहि संक्रमण कमिबो से दिगर मध्ये सरकार चिंता करछन्ति निश्चित भाबरे। दिव्य, किंतु आ गोटे देखंतु वर्तमान लोकंकर बड़ प्रश्न होउछि, जेतु 17 तारीख होउछि लॉकडाउन रो शेष दिन, बा सरकार जो भाई हिसाब से घोषणा करते जून 17 तारीख पर्यंत लॉकडाउन बलवत्तर रहिबो, किंतु 17 तारीख पर सरकार कौन निष्पत्ति नहीं पारती, एने किछ आलोचना होउछ कि? देखंतु मुख्यमंत्री आहर भितरे जो कोविड समीक्षा बैठक करले सेते आभास दे सारछंती जे 17 तारीख पर आउ राज्य लॉकडाउन हेबो नहीं, एभली आभास दे सारछंती, अर्थात आउ जो लॉकडाउन रो कटकणा को राज्यवासी फेस करबे नहीं, अनलॉक प्रक्रिया आरंभ हेबो, किंतु ताको कैटेगरी वाइज करा जीवो, जमती 15-10 पर्यंत संक्रमण हार जो जिला गुड़े रही कटकणा टी रु 10-5 जो रही सामान्य कटकणा कोहल करपटे 5% तल को जो जिला गुड़ संक्रमण हार रही संपूर्ण अनलॉक प्रक्रिया राज्य सरकार जारी करेंगे, विशेषकर जो सब कटकणा रही कटकणा को उठाई दिजाव।
ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ରହୁଛି 11 ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଏଇ କଟକଣା ଯୋଉଠି ଉଠିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ଯିବ ତା ଭିତରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଡ଼ିଏ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଏବଂ ଦେଖିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ମୋଟାମୋଟି 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ରଜ ପରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ, ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ରହୁଛେ ତାହେଲେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଆଉ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ହିଁ ପୁରା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦେଶରେ ତଳମୁହା କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଲଗାତାର 4 ଦିନ ଧରି ସଂକ୍ରମଣ 1 ଲକ୍ଷ ତଳକୁ ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ 91,702 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି 3,403 ଜଣଙ୍କର କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପଟେ 1,34,580 ଜଣ କରୋନାରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଯାବତ 2,77,90,073 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ 24,60,85,649 ଜଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆରପାରିରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ରାଧାମୋହନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ପୂର୍ବତନ ସୂଚନା କମିଶନର ଥିଲେ। ସମ୍ଭବ ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ଜୈବିକ କୃଷିର ଏକ ନିଆରା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 2020ରେ ରାଧାମୋହନ ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ। ନୟାଗଡ଼ରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଜମିରେ ଜୈବିକ ଚାଷ କରି ଆଣିଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାଜ୍ୟର ସୂଚନା କମିଶନର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଏକ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଧାମୋହନ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପରିବାର ଲୋକେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି? ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, କ'ଣ କେଉଁ ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିଥିଲେ, ନା କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଅତି ଦୁଃଖଦ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖର ସାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର 78 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଲା। ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ 2020 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁଠି ମାନେ ଦୁବ କଅଁଳିବ ନାହିଁ ସେମିତି ଜମିରେ ସିଏ ସବୁଜିମା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଜୈବିକ ଚାଷ ବା ଜୈବିକ କୃଷି ଦିଗରେ ସେ ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟକୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିତ ଭାବେ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସିଏ କୁହାଯାଇପାରିବ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସିଏ ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ସେ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଫେସର ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଜୈବ କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଫେସର ଭାବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଏବଂ କେବଳ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସେବା ସମ୍ମାନରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ମାନିତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ରୋଲ୍ ଫର ଅନର ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଗ୍ଲୋବାଲ ରୋଲ୍ ଫର ଅନର ପୁରସ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହିବା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କଥା କହିବା ବା ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲଙ୍କ କଥା କହିବା ଏବଂ ଅନେକ ରାଜନେତା ଶିକ୍ଷାବିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ହରାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀ ମର୍ମାହତ। କାରଣ ପୁରା ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଠି ଘାସ ଗୋଟିଏ କଅଁଳେ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କୃଷି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଏ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ରହିଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ଛୋଟ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁଛି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ, 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେପଟେ ଆଜି ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ,
खोर्धा पुरी जगत सिंहपुर में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हो पारे। 12 तारीख में 8 जिला और 13 रे 9 जिला प्रति रेड आलर्ट जारी करा जाय छि। 14 तारीख में 7 जिले में प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी हो छि। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशा छुई प्रभाव में राज्य में विभिन्न जिले में वर्षा आरंभ हो जाए। सेपटे कंधमाल बलांगीर नयागढ़ सोनपुर खोर्धा बौद्ध कलाहांडी जगत सिंहपुर पुरी आदि जिले में अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही है। दृष्टि रखी सबू जिलापाग केन्द्र पक्षर रेड वार्निंग जारी होपरी आज बरगढ़ नवरंगपुर नुआपड़ा मलकानगिरी गंजाम कटक अनुगुल संबलपुर केन्द्रापड़ा कोरापुट आदि जिले में प्रबल वर्षापी ऑरेंज वार्निंग जारी होपक्ष 12 तारीख दिन बरगढ़ कलाहांडी बौद्ध संबलपुर नुआपड़ा बलांगीर सोनपुर नवरंगपुर अनुगुल आदि जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार आकलन करणिपाग केन्द्र सब् जिलापाई रेड वार्निंग जारी हो। वर्षा हेले बन्या आसिबार आशंका रही। एभली भयरे दिन काटुछन्ति जाजपुर कोरेई ब्लॉक बैतरणी नदीकूलिया ग्रामवासी। भयर कारण हेउछि 15 वर्ष हेबो अधा पंतरिया भाबे पड़ी रही नदी बंध। जदि बैतरणी नदी में बन्या आसे तबे 5टी पंचायतर लोके बाह्य जगतरु संपूर्ण विच्छिन्न हेबे। प्रति वर्ष भली हेक्टर हेक्टर जमीन में फसल नष्ट हेबो। एने बारंबार अभियोग परे भी प्रशासन दृष्टि देउनथिबा अभियोग करिछन्ति ग्रामवासी। सेपटे खूब शीघ्र समस्यार समाधान हेबो बोली कहिछन्ति जिलापाल। नई बंधटा हो पारना आउ विधायक 5 वर्ष थे बदली जाए जी फास्ट आउंट कौन आम बंध करदे जीमु आउ बंदाला पर्यटन बंध हो पारानी आउ टे नई पा आईला बेलू आम घर द्वार फसी जाऊँगी। सामान्य टे बना आम पंचायत पाखापाखि 8टा गाँव सहित तल गाँ गुड़ाए पा घेर भितर हो बहु असुविधा आम भोग कर ये नई बंध कम्प्लीट आरपट के दृष्टि जो नई बंध कम्प्लीट होती है नई टिके बढ़े संपूर्ण बाली उठे कि आम समस्त चाष जमी बालीचर करदे नहीं सीठी जो अच्छे आप किसी लैंड डिस्प्यूट अच्छी प्रपोजल अलरेडी जाए से लैंड एक्विजिशन आम भी जो पब्लिक सांगे कथा करुचु सम इश्यूज विच इज रिलेटेड टू लैंड जो आपर एक्वायर करार अच्छे किसी जन मैं जाकि हाईकोर्ट केस करदे प्रोसेस अटकीगला आम भी फॉलोअप करुच्छे यही होपफुली यही वर्षा भितर भितर ये सल्व हो जाए नेक्स्ट वर्षा पूरा आम कार्य सरबार चेस्टा कर। राज्य में बन्या आशंका को दृष्टि रखी उपकूलवर्ती जिलागुड़ी जलसंपद विभाग पक्षर आलर्ट जारी होई छी। फोकस रही कटक जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा ढेंकानाल अनुगुल मयूरभंज बालेश्वर भद्रक और जाजपुर जिला कौन सी ऑफिसर हेडक्वार्टर छाड़ी जापारे ना बोली निर्देश दि जाए। किसी स्थान में नुआ ऑफिसर को दायित्व दिया कंट्रोल रूम खोल जाए। नदीबंध गुड़िक पेट्रोलिंग जांच करने को समस्त अधिकारी कहुई सब् जलभंडार जलस्तर कम थी बड़धरण बना आशंका ना मात्र फ्लाश फ्लड आशंका रही। दृष्टि रखी राज्य दुर्बल या 20 नदीबंध प्रति अधिक गुरुत्व दि जा जलसंपद विभाग सर्वोच्च जंत्री कहते भारतीय पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार आज सका 8टू आसंता का 8टा भितर आम कटक जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा अनुगुल ढेंकानाल कि एरिया आम वर्षा हे तेणु तार आखपाख किसी जिला गुड़ाक ठाए ठाए वर्षा हाब बोली आकलन होपर का सका ठारदिन पर्यंत से पूरा मयूरभंज आरंभ कर बालेश्वर भद्रक देन केन्द्रापड़ा जगत सिंहपुर खोर्धा ये सब किंतु जल संपद विभाग से संभाव्य वर्षा पाई पूरा प्रस्तुत हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटी पारती यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आलोचना करार संभावना रही। पूर्व गुरुवार गृहमंत्री अमित शाह को भेटी योगी किछुदिन पूर्व बीजेपी बीएल संतोष दल राज्य प्रभारी राधामोहन सिंह लक्ष्मौ गस्त करते आगामी निर्वाचन को दृष्टि रखी दल रणनीतिर समीक्षा करते यार उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार को नहीं चर्चा हो। पुणी 25 किलो गंजे जबत। नवरंगपुर जिला कोसागुमड़ा थाना नेगा गुमुंडोली छक निकट में गंजे सह दुईटी बाइक को जबत करी पुलिस। एक घटना रे तीन जन को गिरफ्त करी पुलिस। गिरफ अभियुक्त माने कोटपाड़ थाना बड़द्वार साहिर सुरेश मंडर अर्जुन हरिजन और छत्तीसगढ़ पस्ता जिलार रिंकू यादव। एमाने दुईटी बाइक रे गंजे चालान करुवा बेले कोसागुमड़ा पुलिस हाबुड़ में पड़ते जांच बेले रास्तु गंजे थी देखी से थाना को आनी पुलिस।
बालीबोझेई हाइवे लगला निआ कटक सतीचौरा श्मशान सम्मुखें एभली घटना घटी जमापड़ दमकल आसा पूर्व सावित्री जनसेवार विभूति राय और अन्य सदस्य मिसी निआं आयत्त करते खबर पाई दमकल बाहन घटनास्थल में निआं आयत्त कर कटक काठजोड़ी नदी एही बाली अणा जाता आज भोर अचानक सतीचौरा श्मशान निकट में गाड़ी में निआं लगी तेज राति अधिया बाली चोराचालाण होता बेले राजनेता और स्थानीय प्रशासन संप्रक्ति रही अभियोग कर सूचना अधिकार कर्मी घटनार तदंत कर दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करने से दावी कर ब्रेक पर स्वागत। पुरी काकटपुर पंडा साहिर समाजसेवी दीपक साहू 20 वर्ष धरी रास्ता कड़े लगाऊंट गच्छ हेले दीपक सात सपन पलटि सरकार आवास योजना भंगा झुंपुड़ी में कटुची जीवन कई खंड काठ बाउंशरे ठिया होई घर घर बोली जहाँ कहुची असल घर पदवाच्य नुह ता एक विपद संकुल परिवेश कांथरे माटी नाही कि मुंड उपरे छाउणी नाही घेरा जाइथिबा जरीपाल मध्य छिड़ी जाइछि एहार दयनीय स्थिति सूचित कराउछि दारिद्र्यर चित्र घर भितरर दृश्य मध्य बात्या परर अवस्था भळि असजड़ा आसबाब आ बासन कुसन इतस्तस्त होइ पड़ि रहिछि पंक भितरु पद्म परि एहि घरर मणिषंक मनरे किंतु जगत मंगलर चिंता काकटपुर पंडा साहिरे थिबा एहि विपद संकुल घर भितरे रहुछंती 35 वर्षर समाजसेवी दीपक साहू और बयसर अपराह्नरे पहुँचिथिबा तांक बापा आउ मा एहि परिवार पई सरकारंक आवास योजना सात सपन पलटिछि राति पाइले जगतर मंगल पई मो पुओ गछ लगाई चालिथिबा बळे आम पई घरटिए जोगाई देबाकु सरकारंक योजना नथिबा कहिछंती तांक बापा चंद्रमणि ओ मा मीनाराणी पुअर समाजसेवा मनोवृत्ति को उभय प्रशंसा करिछन्ति मुख्यमंत्री कहते हैं छइंच कि बन वृक्ष इंच कि बन से सरकारी लोक कहते पुणी गछ लगाओ पुणी गछ भी काटुचार तेणु ये बड़ दुखदायक कथा एणु आमे तो आम खटी खाया मूल्याशणर लोक आम मूल लगू आम खाइबू किंतु ता भितर आम जो परेश कहार आखि भी पड़ूनी आम उपर से गछ वृक्ष लगाए आम तो यही झुंपुड़ी पल्ला पड़ी आउ आम तो किसी सरकार साहय पता कि तो मिलूनी आगुरु गच लगे से सब काटिकुटिक नहीं गले से सरकार लोक आसिक काटिले से सब पड़ी से रास्ता जाक फेर सानी गच लगे एत सब असुविधा सत्वे दीपक रास्ता पार्श्वे गच लगा बोतल बोतल पा नहीं गूल ढाला गछगुड़ी को गाईगोर खाई नदे से कंटा और जरी घेर दिखती एभली भावे विगत 20 वर्ष धरी दीपक काकटपुर रास्ता कड़ वनीकरण में निजर योगदान दे आसीथिबा कहंती स्थानीय जने युवक राजेश महंती राजेश कहंती जरीपाल घरे उत्कट अभाव को सामना करी रहुथिबा दीपक विगत 20 वर्ष हला बुली बुली वृक्षरोपण करि आसुछंती से लगाइथिबा अनेक गछ रास्ता ओसार कामरे बळी पड़ीबा सत्ते से पूणी एभली कामरे लागिथिबा देखिबा को मिलुछि दीपक कहंती मोर एक पान दुकान थिला रंग काम करी मध्य किछु रोजगार करे किंतु लॉकडाउन रे जीविका मिलुनि अवसर समय रे गछ लगाइबार निशा मोर पिलाटी दिनरु रहिछि तेबे विगत 20 वर्ष तळु मु लगाइथिबा गछगुडी को प्रशासन काटिनिया परे मु 3 दिन खाइनि बहुत दुख होइछि मते मो छुआटी आज 10-20-30 वर्ष हलै मु गछर एमति गछ लगाए देवाली जगह बुल गछ लगाए रोड साइड गछ लगाए मुझे तो मानव सेवे मो जीवन टा पूरा कटि जाइए कोणार्कु काकटपुर आसिक गछ काटिदेरी कहते आमको सरकार अर्डर दे गछ काटा तेणुक या विषय भी कई विरोध भी करना से देखिक मत तीन दिन काल भल लगे तेणुक मुझे गछ लगे कहते सरकार काटिदे गछ काटिदे पलैले जितेबाला रोजगार पर कर्म जाऊँगी जो कर्म ना लकडाउन में बोच से आ मो समय नष्ट नक एम गछ रे समय काटुचे कौन करी आम छोट बलू मुझे जी देखी आसी जंगल बढ़ी घर आप देखिए चाल जरीपाल पड़ी थो कणा हो पा गोलु किंतु यो परेश जो भल पाइबाटा यहाँ बहुत मानने अधिक आम मान बहुत किसी शिक्षा दे जिनस जो मैंने तुच्छ राजनीति कर गोटे गोटे गछ लगे जो एनवायरमेंट डे पालन करोटे गोटे गछ लगे फोटो अपलोड कर सोशल मीडिया रे। तो
तो ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଦୀପକ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘରେ ନିଜ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଦୀପକଙ୍କ ଗଛ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହୋଇଛି। କାକଟପୁରରୁ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଘୋଷଣା। ଶିଖର ଧୱନଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳରେ ଚାରୋଟି ନୂଆ ମୁହଁକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଟିମ୍ରେ ଶିଖର ଧୱନ, ପୃଥ୍ୱୀ ଶ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଦିକଲ, ଋତୁରାଜ ଗାଇକୱାଡ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ୟାଦବ, ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ନୀତିଶ ରାଣା, ଇଶାନ କିଶନ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, କ୍ରିଷ୍ଣାପା ଗୌତମ, କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଦୀପକ ଚହର, ନବଦୀପ ସାଇନି, ଚେତନ ସାକାରିଆଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଜୁଲାଇ 13-25 ମଧ୍ୟରେ 3 ଦିନିକିଆ ଏବଂ 3 T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବୁଲେଟିନ୍ର ସମୟ ହୋଇଛି, ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।